नमस्कार, मैं होकम देव। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के चारों तरफ से लंका लगा दी है। अब तो ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आ चुकी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया भी उनके कामकाज की जांच करेगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में आप सभी को पता है कि व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं अब अडानी ग्रुप की जांच करने की सोच रहा है। इस वीडियो में हम तीन चार खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप के बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वो रईस के मामले में चौथे नंबर पर थे। जहाँ चौथे नंबर पर, अब दरअसल खिसक कर दसवें पर आए, और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो 15वें नंबर पर पहुंच चुके रईस के मामले में। लगातार उनके संपत्ति घटती जा रही है, उनके शेयर गिरते जा रहे हैं। तो चलिए, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, इस वीडियो में हम बजट की बात भी करने वाले हैं, क्योंकि बजट आया है। बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में आपको बजट की पूरी जानकारी में देने की कोशिश करूंगा। तो हाल फिलहाल में बात कर लेते हैं पहले अडानी ग्रुप की। तो शेयरों में जारी गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ में हर रोज काफी ज्यादा कमी आ रही है। मंगलवार को ही अडानी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुए थे, लेकिन अब वे टॉप 10 से खिसक कर 15वें नंबर पर आ चुके हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी साहब से भी वो पीछे रह गए। मैंने क्या कहा था कि वो लगातार कहीं ना कहीं खिसकते ही जाएंगे, और कितने लुढ़केंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लुढ़क जाए रईस के मामले में। गौतम अडानी के नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में 13.1 अरब डॉलर की कमी आई है। अब उनकी कुल संपत्ति महज 75.1 अरब डॉलर रह गई है। जी हाँ, इस तरह से उनकी संपत्ति बहुत खतरनाक स्थिति से घट रही है। चलिए, ये मैंने आपको पहले अडानी साहब की बात बता दी कि उनकी संपत्ति कितनी घट रही है। अब ऑस्ट्रेलिया से जो खबर आ रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने बीते 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, और ये मामला पूरी दुनिया में उछला भी था। पूरी दुनिया के अखबारों ने खबरें भी छापी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट अभी तक भी दर्ज की जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की खबर ये है कि वहाँ के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर्स भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस करता है। वहाँ समूह कार्मिकेल कोयला खदान और एबोट पॉइंट पोर्ट का संचालन करता है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, आप सभी को पता है, और उसी हिंडनबर्ग ने अडानी साम्राज्य की लंका लगा दी गई है। चलिए अब अगली खबर पर आ जाते हैं। तो ये फिर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC, क्योंकि इस देश की बैंकों की भी हालत पतली होती जा रही है अडानी ग्रुप के चलते, क्योंकि कई सारे बैंकों ने अडानी ग्रुप को लमसम कर्ज बांट रखा है। LIC ने, इसके बाद SBI ने, पंजाब बैंक ने, कई सारे बैंकों ने बांट रखा है। हम आपको बताएंगे, ये आप इमेज देखिए, इसमें इन इन बैंकों की हालत खस्ती होती दिख रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कई सारी बैंकें डूब सकती है अगर अडानी की संपत्ति और भी ज़्यादा घटती गई तो। अडानी को और नुकसान हुआ तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि बैंकें डूबने के कगार पर पहुँच जाएँ। तो अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC ने 77,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ये तकरीबन एक दो दिन पहले की खबर है, जो शेयर में गिरावट के बाद करीब 53,000 करोड़ पर आ गया है। यानी कि इतना भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। इतना ही नहीं, LIC का खुद का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वजह से गिरा है, जबकि SBI समेत देश के कई बैंकों ने अडानी समूह को 81,200 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है। यानी कि बताइए कितना ज़्यादा लोन अडानी ग्रुप को इस देश की बैंक ने, इस देश की जो वित्तीय संस्थान कह सकते हैं हम, जो LIC है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा धन अडानी ग्रुप में खपा रखा है। और वो नुकसान अब देश की बैंकों को झेलना पड़ रहा है, बैंकों को भी झटका लगना शुरू हो गया है, हम ये कह सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बैंक से रिलेटेड खबर बता दी। अब अगली खबर पर आ जाते हैं। ये है बजट से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि बजट सामने आया है, भक्त लोग तालियां पीट रहे हैं, कह रहे बहुत शानदार बजट, बहुत शानदार। मैं बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में बता देता हूँ क्या क्या हुआ है। तो मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ से घटकर
60,000 करोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 12,954 करोड़ से घटकर 10,787 करोड़ हो गया है। राष्ट्रीय मिशन जो शिक्षा मिशन है उसका बजट 39,553 करोड़ से घटकर 38,953 करोड़ रह गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट 37,160 करोड़ से घटकर 36,785 करोड़ रह गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 10,000 करोड़ का बजट घटाकर 3,365 करोड़ हो गया है। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन भक्त लोग तो इसी पे खुशी मना रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास 7 लाख तक इनकम टैक्स से कहीं ना कहीं छूट मिली है, तो इनकम टैक्स से छूट मिलने के चलते मध्यम वर्गीय लोग भी पगलाए हुए हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, 5 किलो मुफ्त अनाज आपको मिल जाएगा, वोट मोदी जी को ही देना है। बाजार में उथल पुथल के बावजूद LIC जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी दिखाई दे रही है, ये चीज़ हमने बता दी। लेकिन उसके बावजूद भी LIC ने 300 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाए हैं, 300 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं निवेश किया था, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी। अब एक और जानकारी दे देता हूँ, आप सभी को याद होगा कि क्रेडिट स्विस ने हिंडनबर्ग के बहुत पहले एक रिपोर्ट छापी थी, एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया था कि अडानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी कर्जा है, काफ़ी ज़्यादा अडानी ग्रुप हेर फेर कर रहा है, इनकी कंपनियों का काफ़ी झोल है। लेकिन उस समय क्रेडिट स्विस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दबाव के चलते, प्रेशर के चलते, या खुद हो सकता है क्रेडिट स्विस ने कहा था कि आंकड़े हमारा गलत हुए, अडानी ग्रुप ने उन्हें जवाब दिया था आंकड़े सुधारे थे और कहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय भी क्रेडिट स्विस ने जो बात उठाई थी, जो मुद्दा उठाया था, जो अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े किए थे, वो बिल्कुल सच कहीं ना कहीं थे। और अब खुद क्रेडिट स्विस उस बात को मानता है, तो क्रेडिट स्विस ने आज ठीक कदम उठाया है, जो अडानी के डॉलर बॉन्ड को सिक्योरिटी मानकर लोन देने से रोक दिया है। जी हाँ, जो उनका डॉलर के रूप में बॉन्ड है उसको सिक्योरिटी मानकर लोन देने पर रोक लगाने की कोशिश क्रेडिट स्विस की तरफ से हो रही है। नतीजा यूरोप और अमेरिकी बाजार में वैसे कल दिखेगा, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने शेयर्स में ज़बरदस्त सुधार किया है। भारत सरकार पर भी कहीं ना कहीं लगातार दबाव बन रहा है कि अडानी ग्रुप की जांच क्यों नहीं हो रही है, ED CBI क्या कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, होना चाहिए, इतना बड़ा मामला है तो फिर जांच क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो सब कुछ ठंडे बस्ते में चल रहा है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि अगर अडानी की जगह अब्दुल होता तो क्या होता, ये सोशल मीडिया पर बात चल रही। अब एक और अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई बात ये है कि NDTV भी कहीं ना कहीं पतनता की ओर चल पड़ा है, क्योंकि लगातार इस्तीफे होते जा रहे हैं। NDTV की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और वैसे भी जब से अडानी साहब ने उसको टेक ओवर किया उसके बाद वो रसातल में कहीं ना कहीं NDTV जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को पता है प्रणव रॉय, राधिका रॉय, रवीश कुमार, सुपर्णा सिंह, श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान ने तो बीते कल ही इस्तीफा दिया है, यानी कि कंटिन्यू इस्तीफे हो रहे हैं। और NDTV के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी, चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर कमलजीत सिंह बेदी इस्तीफे के बाद सब कुछ कहीं ना कहीं छोड़ ही दिया है इन सब लोगों ने। अब कुछ एक लोग वहाँ बचे हैं, और यही कारण है, मैं आपको कारण बता देता हूँ, मैंने NDTV के शेयरों का भी जिक्र किया था। इसी के चलते मुझे याद आता है तकरीबन 17 अक्टूबर के आसपास की बात है, जब NDTV के शेयर थे वो 324 रुपये के आसपास, 325 रुपये के आसपास थे। अब वही शेयर टूटकर 235 रुपये के आसपास हो चुके हैं, यानी कि एक तिहाई कम हो गए हैं। अडानी शेयर आज भी 10% टूटे हैं, और पिछले 25 जनवरी से अब तक अडानी की संपत्तियां लगातार घटती जा रही हैं। अब कितनी और घटेगी इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हर दिन अडानी के लिए कहीं ना कहीं कयामत लेकर आ रहा है, परेशानी में अडानी ग्रुप को डाल रहा है। वैसे अडानी ग्रुप के द्वारा जवाब दिया गया है हिंडनबर्ग को, क्योंकि हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे थे, उन 88 सवाल का जवाब हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप ने लिखे, लेकिन वो जवाब कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं माने जा रहे हैं हिंडनबर्ग की तरफ से। और हिंडनबर्ग ने कहा कि तिरंगा में ओढ़ कर आप फ्रॉड नहीं कर सकते। इस तरह से मामले हो रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अगर मामला हुआ है तो जांच की जाए, क्या निकल कर सामने आता है क्या नहीं, और आने वाले वक्त क्या अडानी ग्रुप के लिए होगा ये भी अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन हाँ,
मामला गड़बड़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, NDTV के शेयरों में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे की वजह एक और बात बता देता हूँ कि जो शेयर बाजार उछला हुआ था जब अडानी ग्रुप ने NDTV को खरीदने का ऐलान किया, तो उस समय इसलिए उछला था क्योंकि लोगों को लगा था कि NDTV बहुत उछाल पड़ा चार्ट। लेकिन जैसे रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जैसे लगातार वहाँ इस्तीफे हुए, तो वो दरअसल शेयर बाजार के मामले में कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटते घटते अब उसके शेयर बाजार भी रसातल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, क्या होगा क्या नहीं क्या पता। नमस्कार।